देखिए आप देख रहे होंगे आज राजधानी रांची में पहाड़ी बाबा का जलाभिषेक करने के लिए भारी संख्या में कांवरिया लोग निकली है, जिसमें महिलाएं की संख्या काफी बड़ी संख्या में लोग निकली। रांची के विभिन्न संगठनों द्वारा हर वर्ष सावन के महीने में कांवड़ यात्रा निकाली जाती है। इस क्रम में आज रांची के मधुकम यमुना नगर से एक भव्य कांवड़ यात्रा निकली, जो रांची के विभिन्न मार्गों का भ्रमण करते हुए प्रसिद्ध पहाड़ी मंदिर पहुंची और कांवड़ यात्रा में शामिल भक्तों ने यहां भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक किया। इस वर्ष कांवड़ यात्रा की खास बात यह रही थी कि भक्तों ने सुल्तानगंज से गंगा जल, सरयू तट और स्वर्ण रेखा नदी के जल से भोलेनाथ का अभिषेक किया। कांवड़ यात्रा में बड़ी संख्या में युवा, बुजुर्ग, बच्चे और सबसे अधिक महिलाएं शामिल हुई। पूरे भक्तिभाव से भजनों की धुन पर थिरके और बोल बम के नारों के साथ जब शहर से भक्तों की टोली गुजरती तो शहर का माहौल भक्तिमय हो गया। देखिए आप देख रहे होंगे आज राजधानी रांची में पहाड़ी बाबा का जलाभिषेक करने के लिए भारी संख्या में कांवरिया लोग निकली है, जिसमें महिलाएं की संख्या काफ़ी बड़ी संख्या में लोग निकले हुए हैं। और जो जिस जल से बाबा का जलाभिषेक करना है वो सरयू तट का जल है, सुल्तानगंज का जल है, सोनेखा नदी का जल है। ये तीनों नदी का जल को लेकर हम लोग आज निकले हैं और पहाड़ी बाबा का जलाभिषेक करने के लिए हम लोग जा रहे हैं। पहाड़ी बाबा में पहला बार इस तरह का रांची में आपको देखने को मिल रहा होगा, बाल कांवड़ यात्रा लोग निकाल रहे हैं, लेकिन इस बार मैंने महिलाएं लोग और नौजवान लोग निकल के बाबा का अभिषेक करने के लिए आज हम लोग मधुकम राधा कृष्ण मंदिर से आज हम लोग बड़ी संख्या में आज हम लोग कांवड़ यात्रा पे निकले हुए हैं। बोल बम